गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, लास्ट क्लास आपको होमवर्क मिला था, आपने होमवर्क कर भी लिया होगा। आइए हम इसका सॉल्यूशन दे देते हैं, जिनका नहीं हुआ होगा अपना सॉल्यूशन से मैच कर लेंगे। ठीक है, ये था आपका सेकेंड होमवर्क और ये रहा सेकेंड होमवर्क का सॉल्यूशन। चलिए, आज की टॉपिक है हमारी एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन। अब कोई भी एक सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, और आपको एक्सपेरिमेंटली आपको एक्सपेरिमेंट की हेल्प से उसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। तो बहुत ही सिंपल सा होता है, बस आपको अरेंजमेंट को एक बार ध्यान से देखना होता है और उसको समझना होता है। अगर एक बार आप समझ गए तो फिर इससे आसान कुछ है भी नहीं। ठीक है, तो आइए देखिए क्या करना होता है इसमें। पहले हमें इसके लिए कुछ स्टेप्स आपको बताए जाएंगे, वो स्टेप्स को एज इट इज आप ध्यान में रखेंगे। दो बार पढ़ने के बाद आपको वैसे ही वो याद हो जाएगा, बट फिर भी स्टेप वाइज हम इसको डिस्कस करते हैं। पहले स्टेप में आप क्या करते हैं, द कंडक्टिविटी सेल इज फिल्ड विद ए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइट। अब हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइट में जनरली KCl को यूज करते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि उसकी कप्पा, कंडक्टिविटी कप्पा की वैल्यू हमें मालूम होती है, दैट इज नोन। अब हम क्या करेंगे, पहले एक सेल लेंगे, उस सेल में कंडक्टिविटी K की वैल्यू मुझे पहले से पता होगी, तो वहाँ से हम रजिस्टेंस ऑफ द सेल निकाल लेंगे। कंडक्टिविटी ऑफ सेल का रजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। कैसे करते हैं, उसके लिए हमें एक व्हीट स्टोन ब्रिज का अरेंजमेंट बनाना होता है। हो सकता है अभी आप फिजिक्स में व्हीट स्टोन ब्रिज ना पढ़े हों, आगे पढ़ लेंगे आप, जहाँ पढ़ेंगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। तब तक आप यहाँ पर सीखते रहिए। देखिए करना क्या होता है आपको, सबसे पहले आपको एक सेल लेना है, उस सेल में KCl इलेक्ट्रोलाइट को भरना है। किसको, पोटेशियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइट को। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जो सेल है उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होंगी, हर एक सेल की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती हैं। जब आप इसको फील करते हैं तो आपको इसकी कप्पा K की वैल्यू यानी कंडक्टिविटी की वैल्यू आपको पहले से मालूम होती है, इसे ध्यान रखेंगे। इसीलिए हमने इसको चूज किया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइट को, क्योंकि इसकी कप्पा K की वैल्यू मुझे पहले से मालूम होगी। अब मुझे इसकी रेजिस्टेंस निकालनी है। देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज अरेंजमेंट हम क्यों चूज करते हैं, ये होता हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज अरेंजमेंट। हाँ, इसमें चार रेजिस्टेंस ऐसे इस अरेंजमेंट में जोड़े जाते हैं और यहाँ पर हम इसलिए इसी को चूज करते हैं क्योंकि यहाँ से रेजिस्टेंस निकालना आसान होता है। अब देखिए एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे, और चौथा रेजिस्टेंस किसका हमें निकालना है, KCl का। इसमें से हमें R1, R2, R3, क्योंकि ये रेजिस्टेंस हम खुद लगाते हैं जब आप लैब वगैरह में एक्सपेरिमेंट करते हैं या जब ये चीज़ बनाई जाती है कंपनी में, तो वहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस लगाई जाती है इनकी वैल्यू उनको पहले से पता होती है, वो खुद उस वैल्यू वाली रेजिस्टेंस को लगाते हैं। यानी कि आपको पहले से R1, R2, R3 की वैल्यू पता है, ये रेजिस्टेंस ऑफ KCl आपको नहीं पता है, ये आपको निकालना है। तो देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज का छोटा सा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला का एक रिलेशन होता है कि इन दोनों के रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होता है। व्हीट स्टोन ब्रिज ये हमेशा किस में वैलिड है, व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए इन दो रेजिस्टेंस का रेशियो इन दोनों रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होता है। हाँ, यानी आप क्या कह सकते हैं कि R1 अपॉन R2 की वैल्यू ये क्या है, RKCl अपॉन R3 के इक्वल होगा। अब आपको समझ में आया कि हमने व्हीट स्टोन ब्रिज क्यों लिया, क्योंकि मुझे पता है ये तीन तो मेरे खुद के रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं और हम इन तीन रेजिस्टेंस की वैल्यू भी पता है। व्हीट स्टोन ब्रिज लगाने से हमें इनके बीच एक रिलेशन मिल जाएगा और वहाँ से मैं रेजिस्टेंस ऑफ KCl कैलकुलेट कर लूँगा। कैसे, देखिए अब क्या करना है, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो ये हो जाएगा R1 × R3, यानी कि R1 R3 हो गया, ये हो जाएगा R2 × RKCl। हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए RKCl, तो हम लिख लेंगे RKCl = देखिए हमें RKCl चाहिए तो हम R2 इधर लेके आ जाएंगे, क्या बन जाएगा R1 R3 / R2 बन जाएगा, क्योंकि ये अरेंजमेंट मेरी खुद की है तो मुझे पता होता है R1 R2 R3 की वैल्यू, तो हम R1 R2 R3 की सब वैल्यू रख देंगे और मुझे यहाँ से KCl की जो रेजिस्टेंस है
ये जो इलेक्ट्रोलाइट इसमें फील किया गया है, कंडक्टिविटी सेल है, इस सेल की मुझे रेजिस्टेंस मिल जाएगी। यहाँ से मुझे इस सेल की रेजिस्टेंस मिल जाएगी। बात मेरी समझ में आई आपको? हाँ, तो मेरा पहला अरेंजमेंट बस इतना सा था कि मुझे यहाँ से जो ये सेल हम यूज कर रहे हैं, इस सेल की रेजिस्टेंस निकालनी थी। निकाल सकते हैं? कोई डाउट है यहाँ पर? नहीं है तो चलिए। अब मुझे दो चीज़ें मालूम चल गई। एक तो इसका कप्पा के मुझे पहले से मालूम था, दूसरी मुझे इसकी रेजिस्टेंस भी मालूम चल गई। अब बताइए कप्पा के का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, वेरी गुड, जी एल बाई ए होता है ना। कप्पा के क्या हमारा? कंडक्टिविटी। ये वैल्यू आपको पता है पहले से। जी क्या हमारा? हाँ, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस कैसे निकालते हैं हम? वन अपॉन रेजिस्टेंस करके। अब मान लीजिए, मानना क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ केसीएल आप पहले से निकाल चुके हैं, तो क्या कंडक्टेंस आप निकाल लेंगे? जो वैल्यू होगी उस वैल्यू को यहाँ रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपको कंडक्टेंस की वैल्यू भी मिल जाएगी। यानी कि आपको जी भी वैल्यू पता है। आप जी को इधर लेके आइए, क्या बन जाएगा? अपॉन जी। आपको ये वैल्यू पता है? हाँ, कंडक्टिविटी कप्पा पहले से आपको पता था, कंडक्टेंस आपने निकाल लिया। ये किसके इक्वल हो जाएगा? एल बाई ए। ये एल बाई ए क्या है हमारा? एक्चुअली सेल कॉन्स्टेंट। क्या ये वैल्यू चेंज होती है? नहीं होती है। अगर एक की सेल आपने रखा है तो किसी एक पर्टिकुलर सेल की, सेल कॉन्स्टेंट की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, वो बदलेगी नहीं। यानी कि मैंने पूरे पहले अरेंजमेंट में मैंने क्या किया, पहले मैंने कंडक्टिविटी सेल लिया जिसमें कि मैंने KCl एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइट फील किया KCl, और मुझने KCl सिर्फ इसलिए फील किया क्योंकि मुझे उसे कप्पा के की वैल्यू पता होती है। फिर मैंने वहाँ पर तीन और रेजिस्टेंस लिए जिसकी वैल्यू मुझे पहले से पता होती है, और उन तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यूज को हमने ऐसे अरेंज किया व्हीटस्टोन ब्रिज में कि वहाँ से मुझे रेजिस्टेंस ऑफ KCl मिल गया। यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी रेजिस्टेंस निकाल लिया मैंने। क्योंकि मुझे अब रेजिस्टेंस ऑफ KCl पता है तो मैं अब कंडक्टेंस ऑफ KCl निकाल लूँगा जी इजक्ल टू वन अपन आर करके। यानी कि मुझे अब कंडक्टिविटी के और कंडक्टेंस जी दोनों पता है। अगर मुझे ये दोनों पता है तो क्या सेल कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ जाएगी? के और जी की वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू एल बाई ए के इक्वल आ जाएगी। यानी कि अब मुझे सेल कॉन्स्टेंट ऑफ दिस कंडक्टिविटी सेल मालूम चल गया। ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मुझे इस पूरे अरेंजमेंट से सेल कॉन्स्टेंट की वैल्यू मालूम चल चुकी है, तो ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान रखना है, मुझे इस क्वेश्चन का सेल कॉन्स्टेंट पता है, दैट इज नोन। क्लियर है ना? सही है। आइए देखिए, ठीक है, इसमें तो कुछ है नहीं, ये सब तो आपको पता ही है। अब देखिए दूसरे स्टेप में, यानी कि पहले स्टेप में आपको बस इतना सा काम था कि आप KCl का, हाँ, जो KCl इलेक्ट्रोलाइट जिसमें फिल किए हैं उस कंडक्टिविटी सेल का सेल कॉन्स्टेंट आप निकाल लेंगे। दूसरी बार आप क्या करिए, नाउ द सेम सेल इज फिल्ड विद अनदर अननोन इलेक्ट्रोलाइट। अब हम क्या करेंगे, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट जिसकी मुझे मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। हाँ, अभी तक तो मैंने KCl लिया था क्योंकि मुझे उसकी कंडक्टिविटी के पहले से पता थी, लेकिन अब मैं उस इलेक्ट्रोलाइट को फील करूंगा जिसकी मुझे मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। हाँ, जिसकी मुझे मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, तो क्या करना है, जहाँ पर हमने KCl फील किया था, अब मैं वहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रोलाइट फील करूँगा जिसकी मोलैरिटी मुझे मालूम होनी चाहिए। हाँ, मोलर कंडक्टिविटी तो मैं निकालूंगा, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट आप फील करेंगे उसकी मोलैरिटी मुझे मालूम होनी चाहिए। तो देखिए, अब हमने क्या किया, हुज मोलर कंडक्टिविटी इज टू बी मेजर्ड, अगेन मेक द अरेंजमेंट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब मैंने इस कंडक्टिविटी सेल में, पिछली बार क्या था यहाँ पर, KCl, इस पर कोई नया इलेक्ट्रोलाइट है जिसकी मोलर कंडक्टिविटी मुझे निकालनी है, लेकिन उसकी मोलैरिटी मुझे मालूम होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ उसकी मोलैरिटी मुझे मालूम पहले से ही है। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, आप हमें ये बताइए, ये जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उसकी रेजिस्टेंस पुराने वाले इलेक्ट्रोलाइट KCl के रेजिस्टेंस से सेम होगी या अलग होगी? जाहिर सी बात अलग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट बदल दिया, रेजिस्टेंस बदल गया ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहेगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, वीक इलेक्ट्रोलाइट रहेगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। मुझे पता ही नहीं है स्ट्रॉन्ग है या वीक है,
तो इलेक्ट्रोलाइट बदलने से रेजिस्टेंस तो बदल गया, लेकिन ये सेल वही है जो पुराना सेल कंडक्टिविटी सेल हमने यूज किया था, ये सेल वही है, यानी कि इस सेल की L बाई A की वैल्यू वही पुरानी वाली रहेगी जो मैंने पहले कैलकुलेट किया था। यानी कि इस सेल का आपको सेल कांस्टेंट पहले से ही पता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है नहीं है ना, कर सकते हैं। अब आप देखिए फिर से ये 1, 2, 3 जो तीन रेजिस्टेंस आपने दोबारा से लगाए हैं इनकी वैल्यू आपको पता होगी। और व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट है, यानी कि आप कह सकते हैं कि R1 - R2 विल बी इक्वल टू R अननोन। हाँ, ये जो नया वाला इलेक्ट्रोलाइट है उसकी रेजिस्टेंस अपॉन R3। अब देखिए R1 - R2 और R3 की वैल्यू आपको पहले से पता होती है, तो क्या आप यहाँ से रेजिस्टेंस ऑफ अननोन इलेक्ट्रोलाइट निकाल सकते हैं? क्या निकाल सकते हैं? यानी कि यहाँ पर अब हमें दो चीज़ें मालूम चल गई, एक तो सेल कांस्टेंट, दूसरा मुझे रेजिस्टेंस ऑफ अननोन इलेक्ट्रोलाइट। ये रन दिख रहा है लेकिन एक्चुअली क्या है, वो रेजिस्टेंस ऑफ अननोन इलेक्ट्रोलाइट है, वो वैल्यू भी पता चल गई। अब बताइए अगर मुझे कंडक्टिविटी कप्पा के निकालना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? K = GL/A। पक्का ना ये फॉर्मूला बनता है? ठीक है, अगर आपको रेजिस्टेंस ऑफ अननोन इलेक्ट्रोलाइट पता है तो क्या आप उसका कंडक्टेंस निकाल सकते हैं? जी अननोन बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 1 / रेजिस्टेंस अननोन करके कंडक्टेंस निकाल लेंगे। यानी कि आपको जी की वैल्यू भी पता है और L/A की वैल्यू भी पता है। सेल कांस्टेंट तो वही है पुराना वाला ही, तो आपने लिख दिया K = GL/A की वैल्यू रख देंगे तो आपकी K की वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपको मालूम चल जाएगी। यानी कि यहाँ से आपको कंडक्टिविटी कप्पा K भी मालूम चल गया। बात समझ में आई मेरी? हाँ, अब तक मेरे पास इसकी कंडक्टिविटी आ चुकी है, इसकी मोलैरिटी मुझे पहले से ही पता होती है और मुझे इसका रेजिस्टेंस पता है, मुझे इसका कंडक्टेंस पता है, मुझे इसका सेल कांस्टेंट पता है, इतनी सारी वैल्यू मुझे पता है। लेकिन मुझे निकालना क्या था? मोलर कंडक्टिविटी। तो बताइए मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, हाँ दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है K × 1000/m मोलैरिटी। ये कब यूज करते हैं? जब मेरे यूनिट किस में दिए हो? सेंटीमीटर में। जब सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में मुझे चाहिए होता है तब ये यूज करते हैं। तो देखिए मुझे लैम्डा एम निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? एक तो चाहिए कंडक्टिविटी। क्या मुझे कंडक्टिविटी पहले से मालूम चल गया है? हाँ, तो इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे। फिर क्या चाहिए मुझे? मोलैरिटी। क्या मुझे मोलैरिटी पहले से ही पता था? हाँ, तो उसकी वैल्यू यहाँ रख के सॉल्व कर देंगे तो क्या मुझे लैम्डा एम की वैल्यू मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी। तो ऐसे करके हम किसी भी अननोन इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, सर अगर मैंने दूसरा वाला फॉर्मूला यूज किया होता तो बताइए फॉर्मूला क्या होता? K / 1000/m। के की वैल्यू आपको पता है, एम की वैल्यू पता है और 1000 तो आपको पता ही है। इन सबको सॉल्व करके क्या लैम्डा एम फिर भी निकाल सकते थे? हाँ, यानी कि आपको एक्सपेरिमेंटली जब आपको अननोन इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी निकालना हो जिसकी मोलैरिटी आपको दिया रहता है तो आपको क्या करना है? पहला काम, आपको तीन रेजिस्टेंस लेने हैं और एक कंडक्टिविटी सेल लेना है जिसमें कि उसकी कंडक्टिविटी आपको पता होना चाहिए। और इलेक्ट्रोलाइट आप कौन सा यूज करते हैं? KCl। वहाँ से आप रेजिस्टेंस ऑफ KCl निकाल लेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ KCl निकालने के बाद आप कंडक्टेंस ऑफ KCl निकालेंगे। और अगर आपका कंडक्टेंस ऑफ KCl एक बार निकल गया तो कंडक्टेंस और कप्पा कंडक्टिविटी K की हेल्प से आप वहाँ पे क्या निकाल लेंगे? उस कंडक्टिविटी सेल की सेल कांस्टेंट। हमारा टारगेट फर्स्ट स्टेप से ये है कि मुझे उस कंडक्टिविटी सेल की सेल कांस्टेंट की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, क्योंकि दोबारा से मैं फिर से वही कंडक्टिविटी सेल यूज करूँगा, बस इलेक्ट्रोलाइट बदल दूंगा। तो क्योंकि सेल वही है तो सेल कांस्टेंट वही रहेगा। और फिर अब जब नया इलेक्ट्रोलाइट फील करते हैं तो उसकी आपको सेल कांस्टेंट की वैल्यू बस पता होती है। फिर आप व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट बनाते हैं और वहाँ से फिर नए वाले इलेक्ट्रोलाइट की रेजिस्टेंस आप निकाल लेंगे। पास में आगे फिर जब नया वाला इलेक्ट्रो
लाइट का रेजिस्टेंस आपको मालूम चल गया तो आप उसका कंडक्टेंस निकाल लेंगे। अब क्योंकि आपको कंडक्टेंस पता है तो आप कंडक्टिविटी भी निकाल लेंगे, क्योंकि कंडक्टिविटी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, जी चाहिए यानी कंडक्टेंस जो कि आपने निकाल चुका अभी, और क्या चाहिए आपको, सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट तो वही पुराना वाला जो निकाल के रखे थे वही यूज कर लेंगे, यानी कि यहाँ से आपको कंडक्टिविटी के मिल जाएगा। अगर आपको एक बार कंडक्टिविटी के मिल गया तो मोलर कंडक्टिविटी फिर आप कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से। फॉर्मूला में यही होता है कि मोलर कंडक्टिविटी के लिए मुझे दो टर्म्स चाहिए होते हैं, पहला कंडक्टिविटी, दूसरी मोलैरिटी। 1000 तो वैसे वैल्यू है, आराम से सॉल्व हो जाता है, यानी कि कंडक्टिविटी जो कि आपने अभी निकाला था रिसेंटली, और मोलैरिटी जो कि आप इलेक्ट्रोलाइट जब यूज किए थे उस समय ही आपको दिया गया था, और इस तरह से आपको मोलर कंडक्टिविटी पता चल जाता है। उम्मीद है ये पूरा स्टेप आपको आराम से क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली करना क्या है। अब आपको बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे कि मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों बनाया, क्योंकि ये रिलेशन इजी होता है किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर है? चले तो एक क्वेश्चन आइए करते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन तो होमवर्क का है, बट कोई नहीं, ये क्वेश्चन हम यहाँ कर लेते हैं, आपको दूसरा क्वेश्चन होमवर्क दे देंगे। चलिए आप एक बार वीडियो पॉज कर ट्राई करें, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, आप एक बार ट्राई करिए, फिर अगर जैसा होगा हम डिस्कस करते हैं। तो आप वीडियो पॉज करके बराबर ट्राई करें, कर लिया आपने, आइए डिस्कस करें। चलिए रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 मोलर केसीएल, चलिए आपको क्या क्या दे दिया, आपको मोलैरिटी मालूम चल गई, जैसे 0.1 इज 300 ओम, रेजिस्टेंस भी आपको दे दिया 300 ओम, यानी कि इस बार आपको रेजिस्टेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है। इन अ कंडक्टिविटी सेल द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, हाँ जिसको हम क्या बोलते हैं, कप्पा, कंडक्टिविटी के, इज ऑल्सो गिवेन 1.29 × 10⁻², 1.29 × 10⁻², देखिए यूनिट का बहुत ध्यान रखना होगा ना, किसमें है, ओम इनवर्स यानी कि सीमेंस में है, ठीक है, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, हाँ ओम इनवर्स के ये या सीमेंस, बात एक ही होती है। इफ द सेम सेल इज फील्ड, सेम सेल फील्ड है, इसका मतलब हाँ सेल कांस्टेंट एल बाई ए की वैल्यू दोनों के लिए क्या होने वाली है, सेम होनी है। तो पहला टारगेट मेरा क्या होता था, इसकी सेल कांस्टेंट निकाल लेना, तो चलिए निकालते हैं, पहले और डिटेल्स कॉपी कर लेते हैं। इज फील्ड विथ 0.1 मोलर NaCl, इसकी भी मोलैरिटी कितनी है, 0.1 है, ठीक है, एंड रेजिस्टेंस इज 387 ओम, और इसकी रेजिस्टेंस है 387 ओम, ठीक है। तो कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, हमें इसका लैम्डा एम कैलकुलेट करना है। बस हमने दोनों स्टेप में एक चीज़ सीखा था कि पहला स्टेप मैंने सिर्फ इसलिए ऐसा किया क्योंकि मुझे उसकी सेल कांस्टेंट निकालना था, और बिना सेल कांस्टेंट के हम सेकेंड स्टेप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, यानी कि इस बार भी मेरा टारगेट वही है, फर्स्ट वाले पार्ट से मुझे सिर्फ क्या निकालना होगा, सेल कांस्टेंट। तो आइए फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बताइए फर्स्ट पार्ट में कप्पा के की वैल्यू क्या होती है, जी एल बाई ए होती है ना, यानी कि मुझे एल बाई ए निकालना है तो जी और के दोनों चाहिए। चलिए जी भी निकाल लेते हैं, जी की वैल्यू क्या होती है, 1/r, 1/r की वैल्यू आपको पहले से दिया हुआ है 300 ओम, यानी हमने यहाँ लिख लिया 1/300, लिख सकते हैं। तो चलिए कप्पा के की वैल्यू आपको दिया हुआ है 1.29 × 10⁻², 1.29 × 10⁻², और जी की वैल्यू है 1/300 इज इक्वल टू एल बाई ए, हम यहाँ से एल बाई ए की वैल्यू निकालेंगे तो 300 को इधर लेके आकर मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो दिस विल बी 1.29 × 10⁻², 300, दैट इज इक्वल टू एल बाई ए, आप इसको सॉल्व करिए, सो ये हो जाएगा 300 × 129, दिस विल बी 387 × 10⁻², इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 3.87,
अगर कैलकुलेशन सारी सही हैं तो ये वैल्यू आएगी कितनी, 3.87 कर सकते हैं। चलिए मुझे सेल कांस्टेंट मालूम चल गया, दैट इज 3.87। यूनिट का ध्यान रखेंगे किस में होगा, सेंटीमीटर इनवर्स में होगा, क्योंकि बाकी डिटेल सेंटीमीटर में ही दिए थे। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, सेकेंड वाले पार्ट में हमें क्या रेजिस्टेंस मालूम है, मोलैरिटी मालूम है, और ठीक है बस इतने ही दिया हुआ है, कोई बात नहीं। इसकी कंडक्टिविटी के निकालेंगे, उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, जी एल बाई ए। फिर से इसका भी जी निकाल लीजिए, जी इक्वल टू 1/r, और इस बार r की वैल्यू 387 शायद दिया हुआ है, अब एक बार वेरीफाई कर लेंगे। हाँ ठीक है, तो मैंने लिख लिया जी की वैल्यू 1/387 इंटू एल बाई ए की वैल्यू मुझे मालूम है क्या, हाँ वेरी गुड, दैट इज 3.87, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, डेसिमल को अगर हटा दें तो अपॉन 100, तो ये और ये कैंसिल हो गया, देखिए हमें क्या मिल गया, 1/100। ये आगे वैल्यू किसकी, कप्पा के की, यूनिट किस में रहेगी, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स में, क्योंकि सब अभी हमारे एल बाई ए की वैल्यू हम किस में लेके चल रहे हैं, सेंटीमीटर इनवर्स में। यहाँ तक सही है, हमें तो निकालना था मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, तो हम फॉर्मूला सेंटीमीटर इनवर्स वाला ही लगा लेते हैं, तो के इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी एम। तो बताइए के की वैल्यू कितनी आई है, 1/100, तो 1 ऊपर हो गया, 100 नीचे आ गया, इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी की वैल्यू आपको पता है 0.1 है, तो 100 इंटू डेसिमल को हटाइए, ऊपर एक और जीरो आ जाएगा, 20 से 20 कैंसिल, आप पूरा सॉल्व कर देंगे तो आपको मिलेगा 100 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये आ जाएगा आपका आंसर। बस सिंपल था, यही था मोलर कंडक्टिविटी। देखिए कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी, 100 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, कर सकते हैं, बात समझ में आ रही है मेरी। चलिए ये रहा इसका सॉल्यूशन, हाँ ये रहा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। आइए नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके काम के हैं, टू मेजर द कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट। अच्छा आपने एक चीज़ ध्यान से देखा होगा, अगर तो मैंने बताना भूल गया, कहाँ गया अरेंजमेंट, क्या कहाँ, हाँ देखिए यहाँ पर ना एक बैटरी भी लगाई गई है, और वो बैटरी देखिए क्या है, एसी सोर्स की है। आपको अगर याद है तो हम आपको बता दें कि जब हम इलेक्ट्रोलाइट का वो निकाल रहे थे प्रोडक्ट, या इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, तो हम कौन सा सोर्स यूज करते थे वहाँ पर, यस वेरी गुड, डैट इज डायरेक्ट करंट, डीसी यूज करते थे ताकि लगातार सप्लाई हमें मिलती रहे, जबकि हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, एसी सोर्स। अब आपके माइंड में आएगा सर क्यों, हवा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हमें अगर ये बताइए, अगर मैं यहाँ पर डीसी सोर्स यूज कर लेता तो क्या ये जो केसीएल यूज है यहाँ पे किया गया है, या फिर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो हम यूज करेंगे उसका इलेक्ट्रोलिसिस पॉसिबल है क्या, हाँ बिल्कुल। जैसे आप अगर यहाँ पर आप डीसी लगा देते तो इसका क्या हो जाता, इलेक्ट्रोलिसिस हो जाता, और फिर तो सारा गेम ही बदल जाएगा, फिर मोलर कंडक्टिविटी बदल जाएगी, फिर सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो डीसी सोर्स, लेकिन जब हमें इलेक्ट्रोलिसिस नहीं कराना है तो उस केस में हम सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करेंगे, एसी सोर्स यूज करेंगे, क्योंकि जब आप डीसी यूज करते तो इसका इलेक्ट्रोलिसिस पॉसिबल है, और अगर इलेक्ट्रोलिसिस हो गया केसीएल का तो आपको पता है फिर आपको हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस का इवोल्यूशन देखने को मिल जाएगा, और उस केस में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन उसमें क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी, यानी कि उसकी पीएच की वैल्यू बढ़ने लगेगी, और उससे पूरी की पूरी अरेंजमेंट ही आपकी गड़बड़ हो जाएगी, यानी कि फिर आप मोलर कंडक्टिविटी एक्यूरेटली निकाल नहीं सकते, क्योंकि हम चाहते हैं कि मेरी कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू एक्यूरेट आए, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एसी सोर्स ही यूज करूँगा।
अगर कभी आपसे कोई पूछ लेता है कि हम इस डीसी क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, तो हम साफ शब्दों में कहेंगे क्योंकि हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस नहीं कराना चाहते। क्योंकि जैसे हमने डीसी अगर लगा दिया तो इसका तुरंत क्या शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस, जिसकी वजह से हमारी आंसर क्या हो जाएगी, एक्चुअल वैल्यू से डेविएट होने लगेगी। आइए इसी चीज़ को हम आपको लिखा देते हैं। देखिए, टू मेजर द कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंटली, आप यहाँ पे ना एक टर्म और ऐड कर लीजिए, मोलर कंडक्टिविटी। एक्सपेरिमेंटली एसी सोर्स शुड बी यूज्ड, बिकॉज इफ अ डीसी सोर्स इज यूज्ड, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में अकर एंड कंसंट्रेशन चेंजेस। क्योंकि अगर आपने यूज कर लिया अगर एसी सोर्स की जगह पर डीसी सोर्स, तो हो सकता है कि इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट हो जाए और उससे कंसंट्रेशन बदल जाए। नेक्स्ट, अब अगर इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, यानी कि आपने डीसी सोर्स किया और इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट हो गया, तो हो सकता है गैस जनरेट हो, और गैस इज लिबरेटेड इफ एनी, अगर आपने डीसी सोर्स यूज किया तो मैक्सिमम चांस है कि वहां से गैस का इवोल्यूशन हो सकता है। अगर कोई भी गैस जनरेट हुई तो गैसेस क्या करती हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा देती हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा देंगी। अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो बताइए क्या कंडक्टेंस चेंज हो जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि कंडक्टेंस किस पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पे। और अगर एक बार कंडक्टेंस चेंज हो गया तो फिर कंडक्टिविटी बदल जाएगी, और अगर कंडक्टिविटी बदल गया तो मोलर कंडक्टिविटी भी बदल जाएगी, और इस तरह से मुझे एग्जैक्ट मोलर कंडक्टिविटी मालूम नहीं चल पाएगा। तो देखिए, गैस इज लिबरेटेड इफ एनी, इट विल इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन एंड मे कॉज पोलराइजेशन एट इलेक्ट्रोड्स। अब इससे क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी और हमारा जो इलेक्ट्रोड है उसका पोलराइजेशन शुरू हो जाएगा। पोलराइजेशन का मतलब जो पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड होगा, इसमें हो सकता है पॉजिटिव वाले चार्जेस ज़्यादा बढ़ जाए, और जो नेगेटिव वाला है हो सकता है उसमें नेगेटिव ज़्यादा बढ़ जाए। अब इससे क्या होगा, इनकी वैल्यू एक्स्ट्रा बढ़ने लगेगी अगर, तो हमारा लैम्डा एम की वैल्यू भी चेंज होने लगेगी और मुझे एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी नहीं मिल पाएगी। दूसरा, सिंस एसी सोर्स एंड एसी सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 500, सॉरी सिंस नहीं है ये, देयर फोर है, 2000 इज यूज सच दैट इन ईच सेकेंड द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस रैपिडली विद द मिनिमाइजेस, विच मिनिमाइजेस द पोलराइजेशन। अब देखिए, जब हम एसी सोर्स यूज करेंगे तो पोलराइजेशन नहीं होगा, या होगा भी तो बहुत थोड़े समय के लिए। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि कैसे नहीं होगा, जब आप एसी सोर्स यूज करेंगे तो पहला जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो फर्स्ट राउंड में जैसे आप एसी सोर्स का अगर आप डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम ऐसा बनता कर, हाँ, यानी कि पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, यानी कोई एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार प्लस एक बार माइनस में चलता रहता है। तो देखिए, स्टार्टिंग में ये प्लस है ये माइनस, जैसे ही कुछ टाइम बीतेगा ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू लगातार एक दूसरे से इंटरचेंज होते रहेंगे, और इस तरह से पोलराइजेशन की वैल्यू क्या होती है, बिल्कुल कम, यानी कि नेग्लिजिबल हो जाती है। तो एसी सोर्स यूज करने के दो फायदे, पहला, एक तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि गैस नहीं बनेगा, इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगी, दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट, पोलराइजेशन भी एकदम नेग्लिजिबल हो जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पोलैरिटी है वो बार बार चेंज होता रहेगा, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है अभी पॉजिटिव है फिर तुरंत नेगेटिव की तरह काम करेगा, जो नेगेटिव है पॉजिटिव नेगेटिव वो हर बार चेंज होते रहते हैं, और वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। जो हम सोर्स यूज करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी जनरली हम 500 से 2000 के बीच में रखते हैं, इसका मतलब अगर मैंने 500 हर्ट्ज की भी फ्रीक्वेंसी रखी है मिनिमम, तो भी एक सेकेंड में जो एक इलेक्ट्रोड है प्लस, वो 500 बार माइनस और प्लस में चेंज हो चुका होगा। एक सेकेंड में 500 बार ये प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस हो चुका होगा। सोचिए इतना फास्ट हो रहा होगा, तो पोलराइजेशन इफेक्ट जाहिर सी बात है कि फिर नेग्लिजिबल हो जाएगी। बात समझ में आ गई होगी आपको। नेक्स्ट देखिए, नोट पॉइंट, इन केस ऑफ हाई कंडक्टेंस इलेक्ट्रोड्स आर वाइडली स्पेस्ड। अब देखिए, अगर कंडक्टेंस ज़्यादा है, हाँ, यानी कि अगर कंडक्टिविटी सेल की कंडक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है, तो उस केस में हम इलेक्ट्रोड को दूर दूर रखते हैं। जो इलेक्ट्रोड्स का अरेंजमेंट होता है हमारे कंडक्टिविटी सेल में, उसको हम थोड़ा दूर दूर कर देते हैं।
अगर कंडक्टेंस कम हो गया तो उस केस में हम इलेक्ट्रोड्स को क्या करते हैं, एक दूसरे के पास पास रखते हैं। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। पास में आगे, अगर कंडक्टिविटी सेल की कंडक्टेंस ज़्यादा है तो उस केस में इलेक्ट्रोड्स को हम पास पास रखेंगे, अगर उसकी कंडक्टेंस कम है तो उस केस में हम उनको एक दूसरे के पास पास रखेंगे। और एक्चुअली अगर कंडक्टेंस कम है तो कंडक्टिविटी भी कम ही हो जाएगी। आइए नेक्स्ट है हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अभी तक आपने जो सीखा दैट वाज मोलर कंडक्टिविटी, फिर हमने उसका एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन भी देख लिया। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। हाँ, जैसे मोलर कंडक्टिविटी होता है वैसे ही इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी होता है। अब मोलर कंडक्टिविटी एक मोल इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिफाइन था, राइट? तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किसके लिए डिफाइन होगा? एक ग्राम इक्विवेलेंट के लिए। बिल्कुल सिंपल सा है, मोलर कंडक्टिविटी मोल्स के लिए डिफाइन होता है जिसमें कि एक मोल सॉल्यूट हम लेते थे, जबकि हम यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में इलेक्ट्रोलाइट का एक ग्राम इक्विवेलेंट को लेके कंसीडर करेंगे। तो देखिए, इट कैन बी डिफाइंड एज द कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। किसी भी फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, मान लीजिए 20 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन है, उसमें अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया है तो उस केस में उसकी जो कंडक्टिविटी होगी वही उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है। अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी याद है तो हमने वहाँ पर देखा था कि अगर मैं किसी फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में अगर मैं 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को मिला दूँ तो उस केस में उसकी कंडक्टिविटी उसके मोलर कंडक्टिविटी के इक्वल थी, जबकि अगर मैं 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की जगह पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स करूं तो उस केस में उसकी कंडक्टिविटी उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के इक्वल हो जाती है। यानी कि सिंपल शब्दों में आपको याद रखना है, मोलर कंडक्टिविटी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिफाइन होती है, जबकि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए डिफाइन होती है। अब देखिए, वी नो दैट, हमें पहले से ही पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी क्या होता है, कप्पा के। तो बताइए 20 सेंटीमीटर के लिए वी के, ये तो वही पुराना वाला रिलेशन है जहाँ पर हम वी की वैल्यू किस में रख रहे होंगे, सेंटीमीटर क्यूब में। अब देखिए, क्योंकि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। हाँ, मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वहीं पे यहाँ पर मोलैरिटी डिफाइन होती थी मोलर कंडक्टिविटी में, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंस में या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जब हम बात करते हैं तो नॉर्मेलिटी डिफाइन होती है। क्या डिफाइन होता है? नॉर्मेलिटी। अब देखिए, मोलैरिटी क्या था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन लीटर, जबकि नॉर्मेलिटी में क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस इन 1 लीटर सॉल्यूशन। यानी कि सब कुछ सेम रहेगा, जहाँ मोलर कंडक्टिविटी था वहाँ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आएगा, जहाँ पर मोलैरिटी डिफाइन करते थे वहाँ हम नॉर्मेलिटी डिफाइन करेंगे। मोलैरिटी के फॉर्मूला में हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेते थे, जबकि नॉर्मेलिटी के फॉर्मूला में हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस लेते हैं। कर सकते हैं? तो चलिए, अब यहाँ से हम फिर से वी की वैल्यू निकाल के रखेंगे और ऊपर ले जाकर उसको सॉल्व करेंगे जैसा पिछली बार किया गया था। देखिए, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। मिलीलीटर करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मिलीलीटर को हम सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या? देखिए क्या आ जाएगा, 1 × 1000, आप इसको ना यहाँ पर देख लीजिए। देखिए नॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस हम जी लिख लेते हैं ना, आप ध्यान रखेंगे ये ग्राम इक्विवेलेंस है, इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हमने पहले क्या किया, इसको मिलीलीटर में बना लिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, क्या मिलीलीटर को हम सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, 1 मीटर क्यूब को हम लीटर लिख सकते हैं और 1 सेंटीमीटर क्यूब को हम 1 मिलीलीटर लिख सकते हैं। यानी कि जहाँ मिलीलीटर आप सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं और जहाँ सेंटीमीटर क्यूब उसको मिलीलीटर लिख सकते हैं। तो हमने मिलीलीटर को सेंटीमीटर क्यूब बना लिया। अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, n × V3 इज इक्वल टू 1000 × G, जहाँ पे G क्या है, ग्राम नहीं है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स है।
क्योंकि हमें तो सिर्फ V चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V3, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। बस देखते रहिए, समझते रहिए, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्लियर है। तो अभी तक हमने एक डेरिवेशन डिफाइन किया था जहाँ पे हमने ग्राम इक्विवेलेंस का फॉर्मूला लैम्डा ई, जो कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है, उसका हमने वैल्यू देखा था के बी के इक्वल आ रहा था, राइट। अब हमें बी की वैल्यू पता है, दैट इज 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी, यानी कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, के इंटू 1000 अपॉन एन। आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको मोलर कंडक्टिविटी याद है ना, क्या होता बताइए, लैम्डा एम इज इक्वल टू, वेरी गुड, के इंटू 1000 अपॉन एम होता है, पक्का होता है यही। तो बस जब हम इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी डिफाइन करते हैं तो मोलैरिटी की जगह हम किसको कंसीडर करेंगे, नॉर्मेलिटी को, दैट्स इट, सिंपल, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आइए सो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लैम्डा ई की वैल्यू क्या आएगी, के इंटू 1000 अपॉन एन, जहाँ पर लैम्डा इक्विवेलेंट की यूनिट क्या हो जाएगी, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, मोलर कनेक्टिविटी में क्या था, वो पर मोल था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब अगर आप मीटर स्क्वायर में डिफाइन करना चाहें तो देखिए, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या था, के अपॉन 1000 इंटू एम, तो बताइए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, के अपॉन 1000 इंटू एम, बस बन जाएगा, जहां मोलरिटी वहां पर नॉर्मेलिटी डिफाइन कर देंगे। इस केस में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा, सीमेंस मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, कर सकते हैं, तो चले आइए। आपको इतना सारा टेक्निकली रह गया था, आइए देखिए, अब तक आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के दो फॉर्मूले मिल चुके हैं, पहला 1000 इंटू कंडक्टिविटी दैट इज कप्पा अपॉन नॉर्मेलिटी, क्लियर है। ये कब होगा, जब हमारा लैम्डा ई का यूनिट होगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंस। इसका दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, यस, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विल बी 1000 टाइम्स ऑफ, सॉरी, कंडक्टिविटी के अपॉन 1000 टाइम्स ऑफ नॉर्मेलिटी, एट दिस टाइम यूनिट विल बी सीमेंस मीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंस। अब ये तो था डेरिवेशन आपको सेटिस्फाई करा देने के लिए, एक्चुअली आया कैसे, अभी आपको याद रखने के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यार बहुत सिंपल से रखेंगे, देखिए कैसे। आपको मोलर कंडक्टिविटी के दोनों फॉर्मूले याद है, हाँ, वेरी गुड, पहला क्या था, 1000 इंटू के अपॉन मोलैरिटी, जब हम यूनिट किस में लेते हैं, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में। दूसरा, मोलर कंडक्टिविटी इज कंडक्टिविटी के अपॉन 1000 इंटू मोलैरिटी, इस टाइम पे मोलर कंडक्टिविटी इसमें होगी सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल, बस, क्योंकि अब आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालना है, आप देखेंगे लैम्डा ई इज इक्वल टू 1000 टाइम्स ऑफ कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी, यानी कि जब हमें मोलैरिटी निकालना था, मोलर कंडक्टिविटी, तो मैंने मोलैरिटी रखा था, जब मुझे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालना है तो मैं क्या रखूंगा यहाँ पर, नॉर्मेलिटी, क्लियर है। इसी तरह जब ऐसा यूनिट यानी कि मीटर स्क्वायर में आप डील करेंगे, देन इट विल बी कप्पा के अपॉन 1000 इंटू एन नॉर्मेलिटी, ये हो गया आपका ऐसा यूनिट में, यानी कि यहाँ पर इसका यूनिट क्या होगा, सीमेंस मीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंस, सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल, इसका होगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, और इसकी यूनिट होगी सीमेंस मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन मोल। नेक्स्ट देखिए, अब आपको इनको एक रिलेट करने आना चाहिए, यानी कि अब हम सीखेंगे कि मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में क्या रिलेशन है, मोलैरिटी क्या होती है, वेरी गुड,
इट इज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, जबकि नॉर्मैलिटी क्या होती है, इट इज अ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी में क्या अंतर है, तो आप बोलेंगे मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर दैट इज इक्वल टू नॉर्मैलिटी। यानी कि अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी पता है और आप उसमें उसकी एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दे, आपको क्या मिल जाता है, नॉर्मैलिटी मिल जाता है। बस समझ आ रही है, यानी कि जहां पे नॉर्मैलिटी लिखना है हम वहां पे मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर लिख सकते हैं। अब देखिए हम इसी चीज को यहां पे पुट करते हैं। अगर मैं नॉर्मैलिटी के जगह पर मोलैरिटी टू एन फैक्टर लिखूं तो बताइए क्या होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला ये वाला, थाउजेंड इंटू के अपॉन मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर बनेगा। ऐसे ही ऐसा यूनिट वाला इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विल बी कप्पा के अपॉन थाउजेंड इंटू नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, मीन्स मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर लिख सकते हैं। अब बहुत ही आराम से देखिए, छोटा सा रिलेशन मिलेगा आपको। अगर आप ध्यान से देखिए तो इसका फॉर्मूला आपको पहले से पता है। हाँ, अब मैं नीचे वाले को रफ कर देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखिए थाउजेंड इंटू के अपॉन मोलैरिटी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेरी गुड, दैट इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम। ये पूरी वैल्यू किसकी है, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम की। अब देखिए अपॉन में भी क्या बच गया, एन फैक्टर, यानी कि हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, अपॉन एन फैक्टर। ऐसे ही अगर आप इसको भी कन्वर्ट करना चाहें तो देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विल बी के अपॉन थाउजेंड इंटू एम, दिस इज मोलर कंडक्टिविटी, अपॉन में क्या बचा भी, एन फैक्टर। यानी कि अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन का या इलेक्ट्रोलाइट का इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालना है तो आप उसके मोलर कंडक्टिविटी को एन फैक्टर से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है, क्या कहा हमने, किसी भी सॉल्यूशन के अगर मोलर कंडक्टिविटी आपको पता है तो आप उसको एन फैक्टर से डिवाइड करिए, जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। एक छोटा सा रिलेशन आपको ध्यान रखना है, यूनिट्स का कोई रोल नहीं होगा, जिस यूनिट में आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी चाहिए उसी यूनिट में आपको मोलर कंडक्टिविटी को भी रखना होगा। अगर आप यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर के टर्म्स में ले रहे हैं तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर लेंगे, अगर यहाँ मीटर स्क्वायर में ले रहे हैं तो ये भी मीटर स्क्वायर में रहेगा। क्लियर है, आइए अब एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम, उसके बाद आपको होमवर्क मिल जाएगा, पीडीएफ में सब कुछ है पहले से ही, आप वहां से कंप्लीट कर लेंगे और होमवर्क भी कर लेंगे। ओके, सो हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखिए हम इसमें पहले गिवन डिटेल्स निकाल लेते हैं। हमें क्या क्या दिया है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.05 मोलर सॉल्यूशन, यानी कि मोलैरिटी दिया है दैट इज 0.05 मोलर, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी दिया है, इट मीन्स लैम्डा एम इज गिवन 195 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इफ सेल विद इलेक्ट्रोड्स ऑफ सरफेस एरिया, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स दिया है, एरिया ए इज गिवन है, देखिए एरिया ए, ए इज गिवन 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट इज गिवन दैट द गैप बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं इनके बीच का ये गैप दिया है, ये गैप हम क्या कहते हैं, हाँ वेरी गुड, दैट इज लेंथ, यानी कि हमें एल भी दिया हुआ है, हाउ मच इज गिवन 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया है, कुछ नहीं, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज दिया है 5 वोल्ट। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि देखिए कोई एक सॉल्यूशन है MgCl2 का जिसकी मोलैरिटी, ओके तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी हमें पता है 0.05 मोलर दिया हुआ है, ठीक है। अगर उसकी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू 195 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है और जो इलेक्ट्रोड्स है उसकी एरिया दिया गया है, लेंथ दिया गया है, तो उस केस में अगर अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू 5 वोल्ट है तो उसमें कितना करंट फ्लो हुआ होगा। आपको पता है कि हमें जब भी
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें हम, कनेक्टिविटी सेल की बात करें, या फिर इलेक्ट्रॉनिक या मेटेलिक कंडक्टर्स की बात करें, हर जगह हमारा ओम्स लॉ वैलिड होता है, दैट इज बी इक्वल टू आई आर। अब देखिए, क्योंकि मुझे करंट निकालना है तो मुझे वोल्टेज और रेजिस्टेंस दोनों चाहिए, यानी कि मुझे इस क्वेश्चन में वोल्टेज चाहिए जो कि पहले से दिया हुआ है, और मुझे और क्या चाहिए, रेजिस्टेंस, यानी कि मुझे इस पूरे डिटेल से सिर्फ क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। आपको क्वेश्चन देख के पहले आइडिया निकालना होगा कि आपको करना क्या है, क्योंकि आप बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ निकाल सकते हैं, तो आपको बहुत कुछ निकालना नहीं है, आपको देखना होगा आपको चाहिए क्या, यानी कि इस डिटेल से हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। तो आइए, देखिए, क्योंकि हमें यहां पर मोलर कंडक्टिविटी दिया है, वो भी यूनिट किसमें है, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होता है, वेरी गुड, 1000 टाइम्स ऑफ कंडक्टिविटी के अपॉन मोलैरिटी एम। देखिए मोलर कंडक्टिविटी कितना है, दैट इज 195, 1000 टाइम्स ऑफ कंडक्टिविटी के अपॉन मोलैरिटी, दैट इज 0.05। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनको सॉल्व करिए, तो देखिए कप्पा के की वैल्यू आ जाएगी 195 × 0.05 / 1000। इसको मल्टीप्लाई करिए, 1000 - 25, यानी कि 975 आएगा, डेसिमल लगाएंगे 2.5, 9.75 हो जाएगा, इंटू अगर 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10^3 लिख सकते हैं क्या, देख लीजिए ऊपर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा, -3। कंडक्टिविटी के की यूनिट क्या हो सकती है, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स हो सकता है और सीमेंस मीटर इनवर्स हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू किसमें दी गई थी, सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसकी यूनिट क्या आएगी, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। यानी कि अब मुझे कंडक्टिविटी के पता है, आप देखिए कंडक्टिविटी के का फॉर्मूला लगाते हैं हम, चलिए बताइए कंडक्टिविटी के का फॉर्मूला क्या बनता है, यस दैट इज जी एल बाई ए। तो कनेक्टिविटी के की वैल्यू पता है 9.75 × 10^-3, जी की वैल्यू मुझे नहीं पता, निकाल लेंगे, एल की वैल्यू मुझे पता है, दैट इज 0.5, एरिया इज ऑल्सो नोन, दैट इज 1.5, आप इनको डिवाइड करिए 3 times में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपको क्या मिल गया, 9.75 × 10^-3 = g/3। अब आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लेंगे, जी की वैल्यू। देखिए जब आप जी कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यू विल गेट जी इक्वल टू 9.75 × 10^-3 × 3। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 3 × 15 = 21, 22 = 27, 29, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू जाएगी 2.925 × 10^-2। ये कंडक्टेंस है ना, कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स, मो या सीमेंस, कुछ भी लिख सकते हैं, हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, सीमेंस लिखते हैं। अब देखिए क्योंकि मुझे पता है जी, तो मैं यहां से आर निकाल सकता हूं, कैसे देखते रहिए, आपको पता है कि कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट, सिंस जी इज इक्वल टू 1/r, हम क्या लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू 1/g, यानी कि 1/g, जी की वैल्यू कितनी है, 2.925 × 10^-2, 10^-2 को ऊपर लेके आएंगे क्या हो जाएगा, 10^+2 / 2.925, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको सॉल्व करेंगे, रहने दे, देखिए 10^2 / 2.925, अगर आप इसको देखें तो लगभग ये 3 के अराउंड है, डिवाइड करेंगे 33, यानी कि 33-34 के आसपास ही आना चाहिए, जो भी आएगा आप कैलकुलेट करके देख लेंगे। अभी हम इसको ऐसे छोड़ देते हैं, रेजिस्टेंस है ना, यूनिट क्या आएगी, ओम। अब देखिए हमें क्या निकालना था, हाँ हमें तो करंट निकालना है, तो निकालेंगे फॉर्मूला से वी इक्वल टू आई आर, इसको यहां कर, सिंस वी इक्वल टू आई आर यहां वैलिडेट होगा, सो वोल्टेज इज गिवन 5, करंट वी नीड टू कैलकुलेट, एंड रेजिस्टेंस इज 100/2.925, यहां भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, देन इट विल बी 5 × 2.925
एंड दैट इज इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ आई. इसको मल्टीप्लाई करिए 5 5 25 5 2 जो 10 12 45 46 5 2 जो 10 एंड 4 14 ये वैल्यू आ गई डेसिमल 1 2 3. दैट इज इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ आई. हमें तो आई चाहिए सिर्फ, तो बस अब आपका आंसर लगभग आ गया है. देखिए जब यहां से आप आई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इट विल बी 14.625 डिवाइडेड बाय 100. 100 से डिवाइड करेंगे, जब हम डिवाइड करते हैं तो डेसिमल की तरफ चला जाता है, लेफ्ट साइड में दो जीरो है ना, दो डिजिट, यानी कि ये डेसिमल यहां से शिफ्ट होकर यहां आ जाएगा. सो दिस विल बी 0.14625. करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर. सो दिस इज योर आंसर. समझ में आ गया होगा. चलिए अब आपके पीडीएफ में ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी होगा और एक नया क्वेश्चन आपको होमवर्क होगा, आप उसे कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे. टिल दैट थैंक यू सो मच.